हेलो दोस्तों, नमस्कार। यह है सौरभ डॉग कैनल, आपका अपना चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सौरभ वर्मा, यूपी वाराणसी से। सो आज हम एक लासा एप्सो के साथ हैं। हिज नेम इज हैरी। हैरी, हाय कर दो व्यूअर्स को। सो हैरी इज हेयर फॉर हिज हेयर कटिंग। सो हैरी आज हमारे पास अपने हेयर कट के लिए आए हैं, ग्रूमिंग सेशन पे आए हैं। हेयर कटिंग होगी इनकी, इनकी नेल क्लिपिंग होगी, नेल कटिंग होगी, है ना हैरी बच्चा? देखे देखे कैसे हो आप, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा सुंदर डॉग है। अभी इसको बाथ कराया गया है, तो आफ्टर बाथिंग ये और ज़्यादा स्नो वाइट खूबसूरत दिख रहा है। लासा एप्सो ब्रीड की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं, तो लासा एप्सो वन ऑफ द नॉटीएस्ट ब्रीड, आई कैन से सबसे शरारती, खुरापाती और मज़ेदार ब्रीड होते हैं गाइस। और ये फैमिली के लिए बहुत ही कंपैटिबल होते हैं। अगर आप छोटे अपार्टमेंट में भी रह रहे हैं, 2 BHK, 1 BHK या एक रूम का भी फ्लैट है, तो इनको बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। सुबह शाम अगर आप इन्हें थोड़ा वॉक करा देते हैं तो भी ये आराम से खुश रहते हैं। अभी देख सकते हैं ये हमारे छोटे से टेबल पे बड़े आराम से एडजस्ट हो गया है। अभी हैरी 5 मंथ का है और इसके वैक्सीनेशन हो रखे हैं सारे, और डिवॉर्मिंग भी टाइम टू टाइम होती है। यू कैन ईजिली सी द क्वालिटी, यू कैन ईजिली सी द हेल्थ ऑफ दिस स्पेसिफिक ब्रीड गाइस। और ये इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है। आप देखिए अभी इसके आंखों पे भी बाल आ गए, जिसके कारण इसको देखने में दिक्कत होती है। तो समय समय पे हमें हेयर कटिंग करानी पड़ती है। अगर लासा एप्सो, शिट्ज़ू या चिवावाज, सॉरी कल्चर पॉम, इन जैसी अगर हम लोग फर वाली ब्रीड रखते हैं, माल्टीज़, तो उनके लिए हमें हेयर कट की ज़रूरत रेगुलर लेनी पड़ती है। और इन ब्रीड्स में थोड़ा सा एक दो ड्रॉबैक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बाल इतने ज़्यादा होते हैं, तो जब जब ये पानी पिएगा नीचे के बाल गीले हो जाएंगे, तो ये भींगे रहते हैं, पीले हो जाते हैं, तो थोड़ा सा गंदा दिखता है, तो नीचे भी कटिंग करा देनी चाहिए। जब जब ये खाना खाते हैं, फेस का हिस्सा खाने में जाता है, तो इधर पूरा खाना लग जाता है। तो ओनर को चाहिए कि एक हमेशा 2 टॉवेल या कपड़े रखें, खिलाने के बाद तुरंत फेस को पोंछ दें, ताकि वो खाना देर तक रहेगा तो फिर 3 दिन 4 दिन 5 दिन में वो बाल वहाँ से कड़े हो जाएंगे और जटा की तरह हो जाते हैं, फिर आपको कटिंग करनी पड़ती है। और इनकी अगर बिहेवियर की बात करिए, बहुत हम्बल, बहुत फैमिलियर होते हैं, और ये किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं, और ये बहुत प्यारे होते हैं। बच्चों के साथ इनका कंपेनियन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी कंपनी देते हैं ये, और खूब खेलते हैं। और अगर आपको कोई ऐसा डॉग चाहिए जो ज़्यादा शोर ना करे, बट आपके घर में अलार्म बेल का काम करे, दरवाजे पे कोई आ जाए तो भौंक भौंक के बता दे कि हाँ कोई आ गया है, सो हेयर इज़ द बॉय, लासा एप्सो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लासा एप्सो ये बिल्कुल भी गेट पे किसी भी आ जाने पे भौंकते हैं, काटते नहीं हैं, डरते डराते नहीं हैं, गुर्राते नहीं हैं, लेकिन हाँ एक अलार्म बेल का काम ये बहुत अच्छा करते हैं, कि अजनबी को देख कर या अनजान को देख कर ये अपने घर में आवाज़ करते हैं, ताकि पता चल जाए ओनर को कि कोई बाहरी व्यक्ति आया हुआ है। अब लासा एप्सो के कलर पे हम चर्चा कर लेते हैं। लासा एप्सो मुख्यतः 7 या 8 कलर्स में अवेलेबल हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कम्प्लीटली वाइट लासा एप्सो है। इसमें क्रीम कलर भी आता है, गोल्डन भी आता है, ऑफ वाइट भी आता है, ब्लैक एंड वाइट लासा एप्सो भी मिल जाता है हमारे। कुछ नहीं हुआ। आ जाओ। अब हम पकड़े रहेंगे तुमको। बैठो। अब हम ऐसे किए, चोट लग गया क्या भैया को? कुछ नहीं, यहाँ आया सड़क से सड़क गया। सो ब्लैक एंड वाइट भी होते हैं, गोल्डन कलर में भी लासा एप्सो होते हैं, जैसे गोल्डन रिट्रीवर्स आप देखते हैं। सो आज की वीडियो शूट करने का मेन मकसद ये है कि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास और कहते हैं, सर छोटी ब्रीड में हमें कोई ब्रीड बताइए, तो हम उन्हें सजेशन देते हैं। तो सजेशन देने के बाद भी आप लोग पग की तरफ, वोडाफोन पग या पोमेरियन या बीगल, इन तीनों की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है, शिट्ज़ू और लासा की ओर ध्यान नहीं रहता। सो आज मैं आपको एक लासा एप्सो इसलिए सामने से दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए द ब्यूटी ऑफ द ब्रीड, और जब आप इसकी ज़्यादा केयर करते हैं, क्योंकि इनको रेगुलर हेयर कट चाहिए, रेगुलर ट्रिमिंग चाहिए, तो आपका एक कनेक्शन डॉग के साथ बनता है, डॉग का एक कनेक्शन आपके साथ बनता है। अब आपने बीगल रख लिया, उसको आप सुबह शाम खिला रहे हैं, महीने डेढ़ महीने में नहलाएंगे, तो
मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, जो फीलिंग मेरी है कि वो कनेक्शन आपका नहीं बन पाता, हालांकि डॉग तो चाहे स्ट्रीट डॉग भी हो वो आपसे एक मिनट में कनेक्ट हो जाता है, चाहे वो गली का भी कुत्ता क्यों ना हो। सो आपका ज़्यादा कनेक्शन बनता है, आप ज़्यादा एंथुजियास्टिक फील करते हैं इस डॉग के साथ, एनर्जेटिक फील करते हैं, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक डॉग होते हैं, दिन भर खेलते हैं, उछल के सोफे पे, उछल के बेड पे, फिर आपके गोद में, फिर इधर उधर उधर इधर। सो हेयर कटिंग के बाद ये और खूबसूरत हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा और प्यारा दिखने लगेगा। सो ये लासा एप्सो ब्रीड है गाइस, टॉय ब्रीड में ये ब्रीड आती है, ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, आप आराम से छोटे घर में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी डाइट नहीं होती। आप पेडिग्री, रॉयल कैनिन, स्मार्ट हार्ट, NND, फर्मिना, किसी भी डॉग फूड पे आप चाहे इनको रख सकते हैं। अभी राइट नाउ ये पेडिग्री डॉग फूड फीड कर रहा है, घर के खाने में ये दूध पीता है और रोटी खाता है, और फ्रूट्स में आप इनको देना चाहे तो एप्पल दे सकते हैं, बनानास दे सकते हैं, बॉयल्ड पोटेटोज और हरी साग सब्जियाँ सारी देनी चाहिए लासा एप्सो को, बोड़ा, परवल, नेनुआ, करेला, उबले हुए आलू, कटहल, लौकी, उबली लौकी, उबाला हुआ लौकी डॉग्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उनके लीवर, उनके स्टमक के लिए, और कैरेट, गाजर आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये था ये हैरी, हैरी हमारे पास बहुत दूर से आए हैं अपनी हेयर कट लेने, अपनी स्पा सर्विस को लेने के लिए, अपनी ग्रूमिंग सेशन के लिए। सो अभी इनकी ग्रूमिंग स्टार्ट होने वाली है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लासा एप्सो भी बहुत खूबसूरत ब्रीड होती है गाइस, और बहुत प्यारे फर वाले डॉग होते हैं। आप में से जो भी व्यूवर्स लासा एप्सो ब्रीड लेना चाहते हो, नीचे दिए हुए हमारे नंबरों पर संपर्क करें। यहाँ पे देखिएगा लाल बटन है ठीक यहीं पे जहाँ आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से हमें और प्रोत्साहन मिलता है, और हम आप लोगों के लिए और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल और सूचनाओं वाली वीडियोस लेके आ पाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सौरभ आपके साथ, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।